अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद मंडी द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त मंडी राघव शर्मा ने की। कार्यक्रम में नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी और कहा कि समाज व हमारे जीवन में माता पिता व बुजुर्गों का महत्व है और उन्हें आदर व सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता व बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कार, उनके अनुभवों व मार्गदर्शन से बहुत से बच्चे अपना भविष्य बनाकर परिवार का नाम रोशन करने के साथ साथ देश व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य विरासत है और उन्हें देश व समाज को कुछ दिया है, इसलिए सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व स्नेह व्यक्त किया जाना चाहिए और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वृद्ध अवस्था पेंशन की आयु 80 से घटाकर 70 वर्ष की है, जिससे हजारों वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। वहीं नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवार सहित सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनरों की समस्या, मांगों व अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर उनसे अलग समय मांगा जाएगा, ताकि उनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा सके। आज हमारा 2018 का अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। ये पूरे विश्व स्तर पर 1990 से आरंभ हुआ है और हम इस दिवस को 2001 से लेकर लगातार मनाते आ रहे हैं। इस वरिष्ठ नागरिक दिवस के ऊपर आज के मुख्य अतिथि हमारे अतिरिक्त उपायुक्त श्री राघव शर्मा जी हैं और इस दिवस के ऊपर जितने भी बुजुर्गों की, वरिष्ठ नागरिकों की जो भी समस्या है उनके ऊपर सरकार भी और ये एनजीओ भी कार्य करती है और इस प्रकार से हम इनकी समस्याओं का हल करते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक दिवस के ऊपर ये बता देना चाहते हैं कि डे केयर सेंटर चला रखा है, जिसमें हमारे 3 डॉक्टर बैठते हैं जो निशुल्क रूप से यहाँ पर हमारे इन वरिष्ठ नागरिक भाई और बहनों का परामर्श करते हैं, चेक करते हैं। उसी प्रकार कई बार हम यहाँ पर अन्य मेडिकल कैंप लगाते हैं, जैसे पीछे अपने मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक शिविर यहाँ लगाया था, वहाँ पर हृदय का भी, हड्डियों का भी, आंख कान और अन्य मेडिसिन का भी कैंप होता है। इस कार्यक्रम के अनुसार हम वरिष्ठ नागरिकों को आउटिंग के लिए जो भी हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर घूमने भी ले जाते हैं और वहाँ इस प्रकार से उनके मनोरंजन, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर विभिन्न विभिन्न विभागों से संपर्क किया जाता है और उनकी समस्या हल की जाती है, क्योंकि अब इस तरह के युग का निर्माण हो रहा है जो बच्चे अपने बुजुर्गों को समाज में धीरे धीरे निग्लेक्ट किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उनको वो आभास अपने इस आयु के पड़ाव पर झेलना ना पड़े और खुशी खुशी से वो अपना बीता हुआ जो भी समय बचा हुआ है उसको भी खुशी से व्यतीत करें।